राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर ठीक है, जो केस स्टडीज मॉड्यूल में दे रखी हैं या जो केस स्टडी डाइजेस्ट में दे रखी हैं वो तो ठीक है, हम पढ़ के समझ सकते हैं। सर आप हमें कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएट करके या जो आपका कॉस्टिंग का अनुभव है, वॉट एवर एक्सपीरियंस यू आर टेकिंग थ्रू डीकेसी, तो आप कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो कि जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो तो ये चीजें कैसे एकेडमिक से सेम होती हैं और कैसे एकेडमिक से अलग होती हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा करके ना, इस चीज पर जरूर मैं आपसे काफी बातें कर सकता हूं, और जब जब आपको टाइम मिलेगा मतलब, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से अगर आपको फायदा हुआ है तो आप प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज करिए। माई नंबर इज 9820, तो सब लोगों के पास है 9820303095, और आप मुझे बताइए कि किस केस स्टडी पे आप ज्यादा से ज्यादा बोल मतलब मेरे को चाहते हैं कि मैं बोलूं, क्योंकि मॉड्यूल में जितने या केस स्टडी डाइजेस्ट में जितने थे वो तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं प्रोफेसर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से डाला हुआ है, यू नो दैट यूट्यूब के ऊपर। तो अगेन उसको रिपीट करना, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता नहीं रिपीट करिए तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने से इतना फायदा होगा। हाँ, लेकिन ये वाला जो पार्ट, ये जो आपने SCMPE का मेरे से जो पूछा है, प्रैक्टिकल केस स्टडी ऑन कॉस्टिंग बाय CA दानी खंडेलवाल DKCR, कि हम लोग जो प्रैक्टिकली काम करते हैं उसमें हमें क्या क्या दिक्कतें आती है। यस फ्रेंड, मैं आपको बोलूंगा कि काफी डिफरेंट रहता है फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिकल में जो हम एकेडमिक में सीखते हैं और जो प्रैक्टिकल रहता है वो काफी अलग रहता है। यहाँ पे बहुत ही हमें व्यावहारिक तरीके से, मीन्स बाई प्रैक्टिकल अनुभव के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना रहता है, विच यू कांट टेक इन एग्जाम। एग्जाम में आज पर आपका जो कॉस्टिंग कंसेप्ट बोलता है आपको वैसे करना है, लेकिन जब हम एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, एज ए कंसल्टेंट किसी कंपनी में काम करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि ये सिचुएशन में आप केस स्टडी करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, तो मैं बहुत सारे अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। जैसे आपके चैप्टर में था, यू टेक द एग्जाम्पल, सपोज योर चैप्टर नंबर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पे देखो हमें काफी सारे, ये आपका चैप्टर 5 था, चैप्टर 5 ऑन डिसीजन मेकिंग, राइट। डिसीजन मेकिंग में अगर अपन बात करते हैं कि कैसे ये प्रैक्टिकली अलग रहता है, जैसे सपोज फ्रेंड्स यू टेक द एग्जाम्पल, राइट, डिसीजन मेकिंग में हम लोग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग या कैपिटल बजटिंग का एक कंसेप्ट लेते हैं, राइट। जैसे सपोज कोई एक CA फॉर्म है, वो CA फॉर्म लीगल वर्क करती है, एक CA फॉर्म है और वो CA फॉर्म आपको लीगल वर्क करती है, और उसका पूरे साल का 2 करोड़ का पर एनम उसका रिसीप्ट है, मींस 2 करोड़ पर एनम उसका ग्रॉस रिसीप्ट है। अब जरा ध्यान से सुनना आप करके ना, कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है, CA फॉर्म है, लीगल वर्क करती है, ओके, और लीगल वर्क में उसको 2 करोड़ पूरे साल का लाइक यू नो पर एनम का ग्रॉस रिसीप्ट उसको मिलता है। अब जैसे ही क्लाइंट के कुछ पेपर्स आते हैं, मतलब क्लाइंट अपने को पेपर्स भेजता है, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, रिटर्न, लास्ट ईयर रिटर्न, ये वो ओपिनियन फॉर्म, ये सब उसको जरूरत पड़ती है कभी कभी जेरोक्स कराने की। जो CA फॉर्म है उसको क्या जरूरत पड़ती है? जेरोक्स कराने की, और जेरोक्स कराने में उसका 2 लाख रुपीज पर एनम का आउटफ्लो हो जाता है, 2 लाख रुपीज पर एनम का उसको आउटफ्लो हो जाता है, राइट। उसका जेरोक्स कराने में जो जेरोक्स वाला है उसको 2 लाख रुपीज पर एनम का ऑलमोस्ट एवरेज पेमेंट करता है। नाउ ये फर्म चाह रही है कि भाई हम लोग इसको जेरोक्स को बंद करके हम हमारी जेरोक्स की खुद की मशीन खरीद लेते हैं, जेरोक्स मशीन खुद की खरीद लेते हैं, हमारी खुद की मशीन जेरोक्स की खरीद लेते हैं, और उसका ऑलमोस्ट कॉस्ट मीन्स सब मिला के सारे एक्सपेंसेस ये वो
इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ द मशीन, डेप्रिसिएशन, आदमी का सैलरी, जगह का भाड़ा, सब मिला के एवरीथिंग. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल क्योंकि मैं छोटे छोटे कंसेप्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ. आपको 220,000 का आता है पर एनम आउटफ्लो. टोटल जो आउटफ्लो है 220,000 का है. और अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं भाई ये मशीन हम लोग हम जेरोस कराते हैं तो हमको आउटफ्लो कितने का है, अगर हम जेरोस कराते हैं तो आउटफ्लो हमको 2 लाख का है. बाहर जाके अपने को जेरोस कराना पड़ेगा, जेरोक्स वाले के पेपर्स देने पड़ेंगे, जेरोक्स करेगा वो हमको दे जाएगा. अगर हम खुद जेरोक्स मशीन खरीदते हैं तो हमको टोटल जो आउटफ्लो है पर एनम वो 220,000 का होगा. अब आप मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या मुझे जेरोक्स मशीन खरीदना चाहिए या बाहर आउटफ्लो 2 लाख रुपए देके जेरोक्स करा लेना चाहिए. ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है करके, यहां पे आपको प्रैक्टिकल तरीके से सोचना पड़ेगा, राइट. यहां पे अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपकी बुक तो बोलती है भाई आपका एनपीवी 20,000 नेगेटिव है, आपका जो आउटफ्लो है वो 20,000 ज्यादा है किसमें, अगर आप जेरोक्स मशीन खरीदते हैं इसका मतलब आपको जेरोक्स बाहर कराना चाहिए. कॉन्सेप्ट तो यही बोलेगा भाई दोनों ऑप्शन को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, दोनों ही ऑप्शन को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो दोनों ऑप्शन को केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि केस आपके पास आया है उसको आपको स्टडी करके उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनमें कौन से मॉडल्स लगेंगे, क्लाइंट को क्या चाहिए, वो सब चीजें डेवलप करने की जगह आप लोग क्या करते हैं, बस केस स्टडी सिखा दो, केस स्टडी सिखा दो. कि अरे भाई आपको केस स्टडी सीखने से पहले वो 12th नंबर का चैप्टर है आपका केस स्टडी, उसके पहले आपको 11 चैप्टर्स में मास्टरी होना बहुत जरूरी है. आपके 11 चैप्टर्स में मास्टरी होना बहुत जरूरी है तब जाके वो 12th चैप्टर केस स्टडी का आपको समझ में आएगा. और जबकि लोगों ने उसको रीड करके पढ़ा दिया है, रीड करके उन्होंने बता दिया कि भी रीड किया और ये इसका आंसर है, इसमें ये लिखा है, ये हो गया. जब हो गया और आप हैप्पी हैं तो मुझे क्या जरूरत है आपके ये सब. अब आपका ये क्वेश्चन आया कि नहीं सर आपने मुझे बराबर से पकड़ा कि सर अब अपने अनुभव से बताइए कि जो एग्जाम में हम लोग सीखते हैं, जो एग्जाम के लिए हम लोग सीखते हैं और जो हम प्रैक्टिकल में काम करते हैं, डीकेसी जो प्रैक्टिकल में काम करता है और जो एग्जाम में सीखता है, क्या वो दोनों सेम है? आंसर इज नो, दोनों सेम नहीं है. प्रैक्टिकल इज टोटली डिफरेंट एंड एकेडमिक बेस है, बेस लेके चल सकते हैं, बेस के लिए आपको कैलकुलेशन तो सब बेस से ही आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में हमको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बात करना पड़ता है, प्रैक्टिकल तरीके से सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजन लेने पड़ते हैं. यहाँ पे आपका कंसेप्ट बोलता है कि भाई 2 लाख रुपए आपका आउटफ्लो है अगर आप बाहर से कराते हैं और 220,000 आपका आउटफ्लो है अगर आप मशीन लेके काम करते हैं. इसका मतलब डेफिनेटली हम लोग, अगर आपका कंसेप्ट आपका एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली हम ये बोलेंगे कि हमको जेरोक्स क्या करना चाहिए, बाहर से कराना चाहिए. लेकिन फ्रेंड्स आप ये सोचो आपका 2 करोड़ रुपए का रिसीट है, अगर कभी भी एक भी पेपर वहां से मिस हो गया या पता चला कोई लीगल पर्सन वहां पे खड़ा है, आपका कोई पेपर गुम हो गया, किसी ने आपकी इंफॉर्मेशन पकड़ ली, कुछ आपका लीक हो गया, आपकी 2 करोड़ रुपए की रिसीट है उसके सामने 20,000 रुपीज क्या मायने रखता है, आप मुझे बताइए. अगर आप अपने घर के अंदर ही अगर जेरोक्स कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल हम लोग क्लाइंट को ये केस स्टडी करने के बाद प्रैक्टिकल ही हम क्लाइंट को बोलेंगे कि भैया तू अपने घर में ही जेरोक्स कर ले. जबकि ये रिवर्स है, आपका एकेडमिक क्या बोलेगा, यहाँ पे आपका एकेडमिक आपको क्या बोलेगा कि नहीं 20,000 का लॉस है तो हमको बाहर कराना चाहिए. लेकिन एज ए कंसल्टेंट एज ए दानकी कॉस्टिंग रजिस्टर्ड राइट, डीकेसी आपको क्या सलाह देगा कि नहीं भाई आपका 2 करोड़ रुपए का ग्रॉस रिसीट्स है एंड 20,000 रुपीज का अगर आपको लॉस हो रहा है और उसमें क्या है सेफ्टी इशू है, आपका कोई पेपर लीक नहीं हो जाए, हो सकता है जेरोक्स वाले की दुकान पर कोई लीगल पर्सन खड़ा है, कोई इनकम टैक्स वाला खड़ा है, कोई ईडी वाला खड़ा है, अगर उसने वो पेपर पढ़ लिए, किसी ने लीक कर लिया, आपका कोई पेपर गुम हो गया, इट्स अ वेरी रिस्की करके. तो व्यवहारिक में प्रैक्टिकल नॉलेज में हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि यू गो विद द जेरोक्स मशीन इवन देर इज ए एक्स्ट्रा आउटफ्लो ऑफ रुपीज 20,000.
आपका 20,000 रुपीज का अगर एक्स्ट्रा आउटफ्लो है तो भी आपको क्या जाना चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग में मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने कराया था कंसेप्ट चैप्टर 5 में, दिस इज योर डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था एंड दैट वाज इजी, एकदम डिटेल में कराया था आपको, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का एक कंसेप्ट था और ये मेरा खुद का केस स्टडी आप ले लीजिए, ये खुद का केस स्टडी आप मेरा ले लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ डी के से। मैंने आपको क्या बताया था, शट डाउन पॉइंट के टाइम पे इट इज अ पॉइंट वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और शट डाउन। व्हाट इज अ शट डाउन पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर, इट इज अ पॉइंट वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और शट डाउन। ये सब, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, वो आपको एकदम प्रैक्टिकल अगर आपने काम किया है तो ही आपको चीजें समझेगी। आप बोलेंगे सर मॉड्यूल में कहां दे रखा है, मॉड्यूल के हिसाब से तो क्या हो गया, मॉड्यूल के हिसाब से तो 220,000 ज्यादा है, आपको जेरोक्स मशीन नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या प्रैक्टिकल क्या बोल रहा है कि आपकी 2 करोड़ रुपए की इनकम है और 20,000 रुपीज है, अगर कोई पेपर आपका लीक हो गया, कोई मिस हो गया तो आप क्या करोगे। ये आपका डीकेसी, मेरा एक स्टूडेंट का सेलिंग प्राइस है सपोज से 25,000, मेरा एक स्टूडेंट का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 25,000 और मेरा उस स्टूडेंट का वेरिएबल प्राइस है सपोज से 5,000, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, मुझे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है से रुपीज 20,000। अब मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, दिस इज माय टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 2 लाख रुपीज, ओके। इसमें मेरा रेंट है, मेरा रेंट है से 1,20,000 और मेरा पियोन का सैलरी है, पियोन का सैलरी है सपोज 80,000, ओके। रेंट वाला बोलता है भाई हमको ये डिसीजन लेना है, यहाँ पे हमको ये केस स्टडी करने के बाद हमको ये डिसीजन लेना है कि हमको बैच चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। बहुत ध्यान से आप सुनिए, हमको ये डिसीजन लेना है कि हमें ये बैच चलाना चाहिए या ये बैच नहीं चलाना चाहिए, बराबर। रेंट वाला है, वो रेंट वाला बोलता है साहब आपका बैच चलेगा या नहीं चलेगा मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो 1,20,000 रुपीज रेंट चाहिए। लेकिन मेरा पियोन बोलता है, ये मेरा जो पियोन है वो बोलता है सर अगर बैच नहीं रहेगा, आपका क्लास ही बंद है तो आप मुझे मत बुलाइए। इसका मतलब ये जो आपका 2 लाख रुपीज का जो फिक्स कॉस्ट है, ये आप 2 लाख रुपीज का जो फिक्स कॉस्ट है उसको अपन दो में डाल सकते हैं। एक बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, दिस इज योर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख। अगर आपने बैच को ऑपरेट किया तो आपको पूरा 2 लाख देना पड़ेगा, अगर आपने बंद कर दिया तो देन इसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट, और मेरा शट डाउन कॉस्ट आपको है 1,20,000 रुपीज। और रेंट वाला बोलता है आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, आपका रेंट है आपका 1,20,000। इसका मतलब अगर आप बंद भी करते हो, अगर आप बंद भी करते हो तो भी आपको लॉस कितने का होगा, रुपीज 1,20,000। अगर आप चालू रखते हो तो आपको लॉस कितने का होगा, 2 लाख। इसका मतलब आपका शट डाउन पॉइंट इक्वल टू आपका 2 लाख का लॉस हो रहा था, अगर आप बंद कर दोगे तो भी आपको लॉस कितना होगा, 1,20,000 का डिवाइडेड बाई एक जन से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है आपका 20,000। इट मीन्स दिस इज 80,000 डिवाइडेड बाई 20,000 एंड दिस कम्स टू 4। मतलब अगर 4 से कम स्टूडेंट आते आपको क्या करना चाहिए, आपको बंद कर देना चाहिए। 4 से कम स्टूडेंट आते हैं आपको बंद कर देना चाहिए, राइट। 4 आते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, 5 आएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। मैं आपको वेरीफाई करके भी बताता हूँ। इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग वेरिफिकेशन।
अगर आपके पास चार स्टूडेंट आते हैं, आपके पास तीन आते हैं, आपके पास पांच आते हैं, बराबर है, आपका सेल्स कितने का होगा, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितने का होगा, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, बराबर है। अब आप देखिए आपका सेल्स कितने का है, आपके एक एक स्टूडेंट आपको कितना देगा 25,000, इट मीन्स 4 × 25,000 इज 1 lakh, 3 × 25,000 इज 75,000, 5 × 25,000 इज 125। वेरिएबल कॉस्ट आपका 4 × 5,000 इज 20,000, आपको 80,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा, 3 × 5,000 इज 15,000, आपको 60,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा, 5 × 5,000 इज 25,000, आपको कंट्रीब्यूशन 1 lakh का आएगा। 2 lakhs रुपीज आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे आपका लॉस 120 है, 2 lakhs रुपीज, इट मीन्स यहाँ पे आपका लॉस है 1,40,000 एंड 2 lakhs रुपीज, यहाँ पे आपका लॉस है रुपीज 1 lakh। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई तीन स्टूडेंट आएंगे, देखो 120 का लॉस तो 120 का लॉस तो ऐसे ही हो रहा था, वो रेंट वाला बोल रहा था मेरे को तो रेंट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप बैच कंटिन्यू करो चाहे आप बैच मत कंटिन्यू करो, इट मीन्स आपको कितने का लॉस हो जाएगा, आपको लॉस होगा 120, तो 120 का तो ऐसे ही हो रहा था। आपको लगता है कि नहीं तीन स्टूडेंट आएंगे तो आपका लॉस बढ़ जाएगा। अब बहुत ध्यान दो, कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, शटडाउन पॉइंट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई आपका शटडाउन पॉइंट 4 स्टूडेंट है, अगर 4 से कम आता है तो बंद कर दो, बैच मत चलाओ, 4 से कम हो जाता है तो आप बैच नहीं चलाइए, आप बैच को बंद कर दीजिए, आप बैच को बंद कर दीजिए, राइट, आप बैच नहीं चलाइए, बराबर। लेकिन आपको लगता है कि सपोज 3 स्टूडेंट है, वो बोलता है डीकेसी आपको बोलता है कि भाई हमारे बैच में तो खाली 3 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, अब आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, 3 स्टूडेंट पे बैच को बंद करना चाहिए या बैच को चालू रखना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, कॉस्टिंग का आपका नॉलेज क्या बोलता है, कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि शटडाउन से अगर कुछ कम है, शटडाउन पॉइंट से अगर कुछ कम है तो आपको बैच को क्या करना चाहिए, आपको बैच को बंद कर देना चाहिए। लेकिन एज ए कंसल्टेंट मैं उनको बोलूंगा कि नहीं भाई आपका लॉस कितने से बढ़ रहा है, ओनली 20,000 से, देखो ये 3 के कभी भी 4 स्टूडेंट हो सकते हैं, अगर आपने एक बार बंद कर दिया तो रीस्टार्ट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने 3 बच्चे आए, 3 बच्चों को बोला नहीं नहीं यार बैच नहीं है करके ना, बिकॉज हमको 4 स्टूडेंट चाहिए, हमारे पास 3 ही है, तो यहाँ पे वापस वही बात आ जाती है, कंसेप्ट बोलता है एग्जाम में तो आपको ये लिखना है कि 3 पे बंद कर देना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली बात करोगे, जब आप प्रैक्टिकली बात करोगे तो 3 पे भी आपको चालू रखना चाहिए, प्रैक्टिकल ये बोलता है, क्योंकि अगर एक बार आपने बिजनेस बंद कर दिया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टार्ट। 20,000 का लॉस है तो ठीक है ना यार, कभी रिकवर हो जाएगा, आप ज्यादा मेहनत करिए और हो जाएगा रिकवर, कुछ और एक्टिविटीज उसमें करिए करके, कुछ और एक्टिविटीज आप उसमें करिए करके, आपका काम हो जाएगा। तो आपका ये कंसेप्ट बोलता है कि 4 से कम पे बंद करो, एग्जाम में आपको लिखना है 4 से कम पे बंद करो, लेकिन जब आप एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे तो 4 से कम पे भी अगर थोड़ा बहुत अगर कम हो रहा है तो आप क्लाइंट को बोलिए कि भाई बंद मत कर, तू चालू रख, आपको चालू रखना चाहिए। आर यू फॉलोइंग ऑन? तो ये आपका शटडाउन पॉइंट पे आपका ये एक्चुअली हम लोग सलाह देते हैं, मतलब व्हाट एडवाइस वी आर गिविंग टू अवर क्लाइंट्स इज द सेम ओनली करके। आर यू फॉलोइंग? तो ये सारी चीजें अगर प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी बच्चों को तो बच्चों को ज्यादा लाइक यू नो केस स्टडी से जो डर है वो निकल जाएगा, और उनको समझाई जाएंगी चीजें तो उनको बहुत काफी फर्क पड़ेगा करके ना। अब आप देखिए, आपको मैं लेता हूं डिसीजन मेकिंग में, देखो मेरे से किस किस मेरे से क्या क्या मिस्टेक हुई थी, वो क्वेश्चन आप देखो जरा,
मेरे से कैसे कैसे मिस्टेक होती थी। आप हंसोगे सर, आपसे आपसे भी मिस्टेक हुई ना। देखो मेरा एक क्लाइंट था, उसने मेरे को बोला कि भाई हम क्लासेस के बिजनेस में जाना चाहते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, वो हमको पूछा कि भाई ये मेरे से मिस्टेक हुई थी जब जो कॉस्टिंग का जब मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया, तो मेरे से क्या मिस्टेक हुई वो जरा आप समझो करके ना। आप हंसोगे यार ये ऐसे कैसे मिस्टेक हो गया, लेकिन आप होते मेरी जगह तो आपसे भी होती है, ये गारंटी है। करें क्लासेज वाले ने मेरे को बोला कि भाई हमारा ग्रॉस फीस हमें मिल रहा है सबको से 30 लाख, ग्रॉस फीस अगर हम एक बैच चलाते हैं तो हमें ग्रॉस फीस पूरे साल में मिलेगा 30 लाख। ग्रॉस फीस, ग्रॉस फीस हमें कितना मिलेगा 30 लाख। ओके, और वो आपको बोलता है कि मेरा जो एक्सपेंस है, जो मेरा एक्सपेंस है वो है 29 लाख। मेरा जो एक्सपेंस है वो है 29 लाख, उसमें मेरे पास ये प्रोफेसर का सैलरी है से 10 लाख बराबर, मेरा रेंट का कॉस्ट है सपोज से 5 लाख, और 14 लाख रुपीज मेरा अदर कॉस्ट है, अदर एक्सपेंस। ये मेरा 29 लाख का ये है, सही है सुनो। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्लास चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि मुझे क्लास चलाना चाहिए, मुझे क्लास मेरा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। आप क्या बोलेंगे भाई, 30 लाख का इनकम है एंड 29 लाख का एक्सपेंस है, 1 लाख का प्रॉफिट है, हमको क्लास चलाना चाहिए। मैंने भी यही बोल दिया, यही तो दिख रहा है ना यार। ये मेरे से प्रैक्टिकल में मिस्टेक हुआ था करके, बाद में पता चला कि भाई अगर 30 लाख का कलेक्शन है तो दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी आपको 20 लाख से ऊपर पे लगता है। इसका मतलब 30 लाख का जो फीस है दिस इंक्लूड्स जीएसटी, तो हमको जीएसटी का भी तो पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, विच इज 18%। मेरे हाथ में कितना आएगा, मेरे हाथ में आएगा 30 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118, हाथ में आएगा 25,42,372 और उस पर 18% लगेगा। GST is 457,628, तब जाके 25,42,372 तब जाके ये 30 लाख होगा। तो मेरी पॉकेट में कितना पैसा आया, मेरी पॉकेट में आया 25 लाख, जबकि मेरा एक्सपेंस कितना है 29 लाख। जीएसटी को तो मैं भूल ही गया करके, कि 20 लाख से अगर क्रॉस होगा तो जीएसटी भी भरना पड़ेगा, राइट। मेरी जो रिसीट मुझे जो हो रही है, जो मुझे रिसीट मिल रही है उसके ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा करके। यहाँ पे हम लोग सब एज्यूम करके चल रहे कि सपोज देयर इज नो क्रेडिट करके ना, तो आपको ये जीएसटी वाला ये केस स्टडीज आप जब प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल में आपको ये आपको कोई मॉड्यूल वगैरह नहीं सिखाएगा इस टाइप की मिस्टेक, ये आपसे कोई मॉड्यूल वगैरह आपको ये नहीं बता पाएगा कि भाई इस टाइप, आप जब तक आप व्यवहार में प्रैक्टिकली जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। आर यू फॉलोइंग मी नॉट। और मेरे से क्या मिस्टेक होती थी आपको मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेके चलता हूं, जैसे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या क्या मेरे से मिस्टेक हुई थी वो मैं आपको लेके चल रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कस्टमर ने मेरे को बोला कि सर हमको 1000 यूनिट्स बना के बेचना है एस वन का। अब ये सब चीजें आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेंगी जब तक आपने प्रैक्टिकली काम नहीं किया है, जब तक डीकेसी का काम नहीं किया है। पता नहीं आईसीआई ने क्या सोच के कॉस्टिंग को हटा दिया यार,
समझ में नहीं आता कि मेन करिकुलम से कैसे हटा सकते लोग। हजार यूनिट आपको बनानी है, हजार यूनिट आपको बनानी है, किसकी बनानी है? एस्पन। ये केस स्टडी था मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म का, जहां पे मेरे से मिस्टेक हुआ। मैं आपको वही चीजें सिखा रहा हूँ जो मॉड्यूल में नहीं है करके ना, जो मॉड्यूल में वो तो रीड करके आप जब भी बोलोगे आपको कोई पर्टिकुलर केस स्टडी समझना है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले गिवन करके रखो, फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट से आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई कौन सा मॉडल लगेगा, उसका एक्सप्लेनेशन देके और मॉड्यूल से आप अगर आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। करें दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट वन, डिफिकल्ट वन इज दिस टाइप करके ना केस स्टडी। अब मेरे से कस्टमर ने बोला कि आप हमें 1000 यूनिट्स के लिए ना कॉस्ट शीट बना के बताओ, तो मैंने उसके लिए क्या बनाया, दिस इज कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ एस वन, दिस इज योर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब मैंने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि भाई एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, उसने कहा सर 10 kg लगेगा, इट मीन्स 1000 यूनिट्स इनटू 10 kg, और रेट मैनेजर बोलता है 10 rupees पर kg, इट मीन्स मेरा टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, से रुपीज 1 lakh, 1000 यूनिट्स 10 kg एट द रेट ऑफ 10, या 1000 यूनिट्स एक यूनिट को बनाने में। अब मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर से मैंने पूछा कि भाई एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको क्लियर हुआ, 1000 यूनिट्स 10 kg एट द रेट ऑफ 10 1 lakh। मैंने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि भाई एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला सर मैन्युफैक्चरिंग टाइम है 7.5 hours। रेट मैनेजर को पूछा एट द रेट ऑफ 10 एंड दिस कम्स टू 75,000। अब आप बताइए कि आपको क्या यहां पे कुछ मिस्टेक लग रहा है? पॉज करिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि मैंने कुछ मिस्टेक किया है यहां पे, आपको ऐसा लग रहा है एज ए कंसल्टेंट में सही जा रहा हूं ये क्वेश्चन में? आंसर इज आई एम गोइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरा वर्कर 7.5 hours काम करेगा, अगर मेरा वर्कर 7.5 hours काम करेगा तो 0.5 hours मुझे क्या देना पड़ेगा, उसको लंच का टाइम देना पड़ेगा। इट मीन्स मेरा जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इसे 8 hours, मुझे जो टोटल टाइम लगेगा वो 8 hours। इसका मतलब ये है जो मेरा नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस मीन्स वेन एवर देर इज ए लॉस राइट, जो नॉर्मल टाइप का रहता है, जो अनकंट्रोलेबल रहता है, वो हमको किससे रिकवर करना पड़ेगा, कस्टमर से करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ 7.5 मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 8 hours। मैंने क्या ले लिया था, 7.5। बाद में जब P&L अकाउंट बन के आया तो वहां पता चला कि आर्स लग गए 8000, मैंने तो बोला था 7500। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम लोगों ने निकाला, हमने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला भाई आपने 500 घंटे ज्यादा ले लिए, बोले सर मैं ये तो आपका मिस्टेक है, आपने जब स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे तो आपको 7.5 की जगह क्या लेना चाहिए था, 8 hours लेना चाहिए था। ये मेरे से मिस्टेक हुआ अगर आई फॉल, ये प्रैक्टिकल केस है, ये जो केस मैंने हैंडल किए वो प्रैक्टिकल जो मेरे से मिस्टेक हुई है, मैं आपको वो सारे केस स्टडीज आपको बता रहा हूं करके कि यहां पे आपको लेना चाहिए था 8 hours और आपने ले लिया 7.5, जबकि आपको लेना चाहिए था 8 hours। सही है सुनो, एक बार मेरे को एक वर्किंग कैपिटल का बनाना था, एक हमारे क्लाइंट की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक में कुछ देना था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और वहां पे मेरे को वर्किंग कैपिटल बना के देना था। वर्किंग कैपिटल यू नो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, मैंने आपको इंटर FM के टाइम पे कराया भी था, इंटर FM के टाइम पे आपको कराया था करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। अब देखो कैसे मिस्टेक हुआ मेरे से, सपोज मेरा मटेरियल का कॉस्ट 10 lakhs, सपोज मेरा लेबर का कॉस्ट 10 lakhs, सपोज मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सब ऑल कैश में मैं पे कर रहा हूं, दिस इज कैश, इज 10 lakhs, टोटल हो गया 30 lakhs, बराबर, और मुझे इसका सेल्स वैल्यू मिल रहा है से 20 lakhs, तो मेरा लॉस हो रहा है सपोज से 10 lakhs। मेरे डेटर्स
मेरे डेटर्स, मुझे डेटर्स को देना है 2 मंथ्स का क्रेडिट, 2 मंथ्स क्रेडिट देना है मेरे को डेटर्स को, मेरे को मेरे डेटर्स को 2 मंथ्स का क्रेडिट देना है, बराबर। तो ये डेटर्स मैंने कैसे कैलकुलेट कर दिया, 20 लैक्स इंटू 2/12, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे को पता होना चाहिए कि 20 लाख की सेल के लिए मुझे कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, 30 लाख, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू लॉस। अब ऐसा कहीं नहीं दे रखा है, मैंने तो किसी मॉड्यूल में, किसी प्रोफेसर से, किसी किताब में, किसी ऑथर ने, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस कौन पे करेगा। लॉस के लिए भी तो फाइनेंस चाहिए ना अपने को, आपको लेना पड़ेगा 30 लाख, आपको लेना पड़ेगा 30 लाख इंटू 2/12, आपको लेना पड़ेगा 30 लैक्स इंटू 2/12, ये जो फिगर आएगी वो आपकी डेटर्स की फिगर रहेगी, वो आपकी डेटर्स की फिगर रहेगी, 30 लैक्स इंटू 2/12, नॉट 20 लैक्स इंटू 2/12। ये भी नहीं से मिस्टेक हुआ था, मैंने तो 20 लैक्स इंटू 2/12 कर दिया, बाद में पता चला यार शॉर्टेज आ रहा है फंड्स में, ये भी आपका एक प्रॉब्लम हुआ। एक कभी कभी क्या होता है, एक मेरा क्लाइंट था, आज तक हम लोगों ने, तो मैंने आपको कराया भी था इंटर में, एक प्रोसेस कॉस्टिंग करके था अपना, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको याद है अपन कैसे लेते थे, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट लेस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट एंड इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ऐसे ही करते थे अपन, याद आ रहा है आपका, कॉस्ट पर यूनिट आप उसका निकालते थे करके। तो हम इसमें यह लेते, टोटल कॉस्ट सपोज 20,000 हुआ, और सपोज नॉर्मल लॉस ये आपका 1000 है, नॉर्मल लॉस आपका 200 है, और ये 10 रुपीज के हिसाब से बिक रहा है, इट मीन्स 2000, तो आपका कॉस्ट पर केजी क्या हो जाएगा, 20,000 माइनस 2000 इज 18,000 एंड डिवाइडेड बाई 800, इट मीन्स 18,000 डिवाइडेड बाई 800 is 22.5 हमारा कॉस्ट पर केजी हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आज मेरा क्लाइंट क्या बोलता है कि सर आई एम डूइंग द प्रोसेस ऑफ सुगर कैन जूस, आई एम डूइंग द प्रोसेस ऑफ सुगर कैन जूस। सुगर कैन जूस में आप 1000 kg इनपुट डालिए, बराबर, और उसमें दो आपको मिलेंगे, एक साइड आपको मिलेगा स्क्रैप एंड दूसरे साइड आपको यहां पॉट में मिलेगा जूस। आपने देखा वो कैसे निकालता है, एकदम रगड़ रगड़ के जूस निकालता है। यहां से इनपुट डालेंगे आप, आपने इनपुट डाला 1000 kg, 200 kg स्क्रैप हो गया, 800 kg। लेकिन अब मेरा क्लाइंट क्या बोलता है कि सर आप तो बोलते हैं स्क्रैप को सेल करो, स्क्रैप को सेल नहीं करना है आपको, स्क्रैप को सेल नहीं करना है। उल्टा मेरा क्लाइंट बोलता है कि सर ये जो स्क्रैप निकला है इसको कोई खरीदने वाला नहीं है, उल्टा मेरे को बीएमसी वाले को बोलना पड़ता है कि भैया आ और ये स्क्रैप को लेके जा, तो इस नॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट है, इस नॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट है, ये नॉर्मल लॉस का भी, ये नॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट है। अब आप मुझे बताओ आज तक आपने ऐसा प्रॉब्लम किया जहां पे नॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट हो करके, जो ओपन चैलेंज है मेरा, चलो मैं तो अटक गया। अब इसको लेने का तो इसको किस पे लेने का, एक्चुअल पे लेने का, नॉर्मल पे लेने का, क्या लेने का, क्या करूं करके इसको करने के लिए, आर यू गेटिंग, मतलब वो बोलता है कि स्क्रैप तो सेल तो नहीं होगा, उल्टा इसको हटाने के लिए, उल्टा इसको हटाने के लिए मुझे बीएमसी वाले को बुलाना पड़ेगा और बीएमसी वाला को भी एक्सपेंस देना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंस किस पे लगेगा, ऑन एक्चुअल लॉस पे लगेगा, ऑन नॉर्मल लॉस पे लगेगा, क्या होगा वो आपको बताना है, ओके। तो ये 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 डिफिकल्टी ये मैंने कहीं नहीं देखा, जब मैंने प्रैक्टिकली केस हैंडल किए तब मुझे पता चला। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये मैं आपको होमवर्क में देके जाता हूं, आपको बताना है कि ये नॉर्मल लॉस पर लगेगा कि ये एक्चुअल लॉस पर लगेगा आपका, जब आप कॉस्ट निकालेंगे करके ना। तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप मेरे को पूछेंगे, और आपको कोई पर्टिकुलर केस स्टडी नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए, वो भी मैं अपन हैंडल करेंगे। थैंक यू।